सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू देसी गेमर्स। तो गाइज, आज हम लोग करने वाला है कौन बनेगा आलोक पति का पार्ट टू। और मैं यहाँ पर टीम कोड दूंगा। रिक्वायरमेंट ये है कि गाइज मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, उसका सही आंसर देना है। एकदम बेसिक क्वेश्चन, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं होगा, बेसिक गेम का क्वेश्चन होगा, जिसका 30+ लेवल है और जिसके पास आलोक कैरेक्टर नहीं है। सब लोग आलोक दे दो बोलते, तो मैं आज 2-3 आलोक देने वाला हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जो आएंगे गाइज उसका 30+ लेवल और उसके पास आलोक नहीं होना पड़ेगा। उसको मैं कोई भी क्वेश्चंस पूछूंगा, अगर वो सही उत्तर देगा तो उसको मिलेगा डीजे आलोक। ठीक है, सिंपल फंडा है, उसको मिलेगा डीजे आलोक। पहली से नागिन निकाली मुन्ना पे डोला अलग ला। गाइज हमारा पहला टीम कोड मैंने अपने स्क्रीन के ऊपर दे दिया है, 8954494। ओके, यहाँ पर आ गया है तेरे काल भाई, क्या नाम है भाई इनका। पहले हम लोग प्रोफाइल देख लेते हैं। चलो 48 लेवल है भाई के पास, आलोक नहीं है, बहुत ही बढ़िया। हेलो भाई। हेलो भाई, बिग फैन। अरे सर, यहाँ पर फैन नहीं, आप यहाँ पर आए हैं अपने दम पे क्वालिफाई करके इतने सारे लोगों में से सबसे पहले। और आपको मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसका सही आंसर देना है। अगर आपने सही आंसर दिया तो आपको आलोक मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हो भाई। चलो, वो कौन सी गन है जो सिर्फ प्लेन से गिरा हुआ एयरड्रॉप में मिलता है, बाकी गेम में कहीं पर नहीं मिलता, लाइक एयरशिप किसी चीज में नहीं मिलता है, वो कौन सी गन है सिर्फ और सिर्फ एयरड्रॉप में मिलता है? आपके पास 20 सेकंड का टाइम है, आप सोच के बता सकते हो वो कौन सी गन है? ग्रोजा। गलत जवाब गाइस। AWM भी एयरशिप में मिलता है, ग्रोजा भी एयरशिप में मिलती है। गलत जवाब गाइस। आप लोग गाइस कमेंट में अपने आंसर बता सकते हो गाइस। एयरशिप में दोनों मिलती है गाइस, M79 भी मिलता है गाइस, एयरशिप में सब मिलता है गाइस। गलत जवाब। द राइट आंसर वॉज गाइस M249 सिर्फ गाइस सिर्फ और सिर्फ एयरड्रॉप में मिलता है, बाकी सब कुछ मिलता है एयरशिप में। एयरशिप सब गिराता है, लॉन्चर भी गिराता है एयरशिप। थॉमस भाई। हाँ भाई। हेलो भाई, आपके पास तो आलोक ऑलरेडी है ना भाई, की कैरेक्टर में दे सकते? आपके पास आलोक ऑलरेडी है सर, ये कैरेक्टर। ओके भाई, हम केक बाद में देंगे, ठीक है, अभी नहीं। हेलो रिया। रिया के पास भी आलोक ऑलरेडी होगा। हेलो। अरे कोई मेरी आवाज सुन रहा है? हेलो भाई, ये बंदा नहीं आ रहा है। तन्मय वाईटी आ गया गाइस, वो बंदा बात ही नहीं कर रहा है। हेलो तन्मय। हाँ भाई बोलो। तुम्हारे पास आलोक है? अरे हाँ भाई यार, आलोक है तो भाई मत आओ ना यार, आलोक है तो मत आओ ना। हेलो डेविल, तुम्हारे पास आलोक है कि नहीं है? नहीं है भाई। भाई तुमको मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर देना, ठीक है? हेलो डेविल। हेलो, बात नहीं करोगे तो कैसे चलेगा पांडे जी? बिना बात किए तो कैसे खेले? मैं वो कोई मिल गया का जादू थोड़ी ना हूँ। हेलो भाई, मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर देना है, सही आंसर देने पे आलोक, सिंपल फंडा है। बरमुडा मैप में कितने लॉन्च पैड है? बरमुडा मैप में कितने लॉन्च पैड है बताओ, सोच के बताओ। भाई मुझे पता नहीं है। गेस तो करो, एक बार काउंट तो करो। चलो इतना बता देता हूँ, 10+ है। हिंट्स। भाई 15। गलत जवाब भाई, सब गलत जवाब भाई, बात ही नहीं करते यार गाइस, बात करने वाला बंदा चाहिए गाइस, बात करने वाला बंदा चाहिए। 9 से 11, 12 है यार, 10 तो मेरे को याद है, 11 है शायद से। यहाँ पर जाट भाई आ चुके हैं। हेलो भाई। ओके, बढ़िया है भाई, एकदम 59 लेवल्स के भाई के पास क्ला कैरेक्टर है, भाई के पास आलोक नहीं है ना? भाई बिग फैन। अरे ब्रो, तुम्हारे पास आलोक है कि नहीं है पहले ये बताओ। भाई नहीं है। चलो अभी तुमको मैं किस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछूं, तुम खुद बताओ। चलो बाकी लोग तो हार्ड क्वेश्चन में पूछ देता हूँ गलती से। अच्छा भाई, किस टॉपिक पूछूं? किस टॉपिक तुम बोलो, किस टॉपिक में क्वेश्चन पूछूं मैं, तुमको किस टॉपिक में ज्यादा आईडिया है? फ्री फायर के ऊपर पूछना। फ्री फायर के ऊपर नहीं, फ्री फायर के ऊपर पूछूंगा। फ्री फायर के ऊपर भी मतलब सिंपल पूछता हूँ, ठीक है? अच्छा भाई, चलो। फ्री फायर में ना टोटल, तुम उसको जानते हो, डबल डोर घर को जानते हो? डबल डोर। हाँ भाई, जो पोचिनोक में है ना। हाँ भाई, टोटल फ्री फायर में कितने डबल डोर के घर है? डबल डोर टोटल पोचिनोक पे। हाँ पोचिनोक नहीं, पूरा बरमुडा मैप पे काउंट करके आराम से सोच के बताओ। चलो यार बहुत सारे हैं भाई। चलो मैं हेल्प करता हूँ ना, एक पोचिनोक भी हो गया,
दूसरा कहाँ पर है? दो एक पीक पे एक पीक एक भाई एक सेकंड भाई दूसरा बंदे को मत बोलने बोलो ना चलो दूसरा बंदे को मत बोलने बोलो तुम्हारे सामने कोई है एक पीक पे हो गया ठीक है दो हो गया चलो और हाँ भाई भाई एक रिवर्स साइड से आगे हाँ रिवर्स साइड से आगे तीन हो गया और एक भाई इसमें भी है नाम क्या है और किसमें और एक बुलसाई के आगे भी है भाई ध्यान से सोच के बताओ चलो अभी तुम्हारे पास टाइम है हां तो जाओ कैप टाउन पे भी नहीं है ना संतोषा पे है और भाई रिवर साइड पे तो बता दिया पीक पे बता दिया और पहुंचना पे बता दिया और कहां पे है शायद एक वहां पे भी है कहां कौन सी जगह पे है यार ये सब भाई क्या बताऊं मैं आपको बोले कहां पे भाई थोड़ा जगह का नाम बोल दोगे भाई बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा अभी बोल रहा हूँ अभी भी तुमने बहुत कुछ मिस किया है हाँ भाई अभी बोलना थोड़ा सा सोच के बताओ पूछता है साथ इतना चलो तुमको मैं एक हिंट्स देता हूँ ठीक है फाइव से ज्यादा है कम नहीं है फाइव ज्यादा भाई तीन तो हो गए अब सोच के बताओ मैं थोड़े ना बताऊंगा तुमको हर एक चीज इतना ज्यादा इतना हिंट्स तो मैंने किसी को नहीं दिया यार चलो ठीक है ये तो पहुंचना हो गया हाँ भाई एक पहुंचने को हो गई एक पीक हो गई अरे भाई हाँ एक ग्रेवयार्ड और बुलसरी के आस पास से याद करो दो ग्रेवयार्ड है फ्रिगेट और वहां जाते ऑब्जर्वेटरी हाँ एक और है हाँ एक हो गया और चार हो गए हाँ चार हो गए अब बस एक और बचाना मुझे एक तो वहां पे हो गया और कहाँ बता कहाँ एक तो वहां पे हो गया एक और सोचो दोस्त देखो मैं भाई एक तुमने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया अब मैं गलत जवाब बोलने वाला हूँ जल्दी करो भाई एक को बोलूंगा तो दे दोगे एक को बोल दूंगा तो दे दोगे बोल दूंगा नहीं तुमको सब बताना ना सब काउंट करके बताओ चलो तुमको इतना टाइम दिया सर दो मिनट से ज्यादा दे दिया बाकी को इतना टाइम दिया भी नहीं भाई मैंने चार तो बता दिया तो एक को बताना मुझे अब तुमने चार नहीं तुमने पांच बता दिया सर बता दिया ने और पांच में दे दो और बताओ यार तो और सब आंसर नहीं हुआ ना अभी तक और है भाई और तो रिवर साइड पे भी एक हो गया और कहां कहां पे बुलसरी पे भी हो गया ग्रेवयार्ड के आसपास वाला भी हो गया काटा टू पे चलो तुमको मैं अभी मैं तुमको नहीं दूंगा लेकिन तुमको मैं गलत साबित कर दूंगा ठीक है सुनो मेरी बात ध्यान से सुना भाई पोचिनोक पे दो है हां तो पोचिनोक में दो बोल दे तुमने एक बोला सुनो मेरी बात सुनो पहले पे ध्यान से सुनो पोचिनोक पे दो है ठीक है हां भाई उसके बाद में पिक पे एक रिवर साइड में एक बुलसाई के आगे एक ग्रेवयार्ड पे एक बुलसाई के सामने की साइड है ना वो ग्रेवयार्ड और बुलसाई के बीच में वहां पर एक और ऑब्जर्वेटरी उसके बीच में एक छह तो हो ही चुका है यार छह तो हो ही चुका है हाँ भाई बस इतने थे गलत जवाब है ना आपका भाई पांच तो बोली थी मैंने बस एक रह गया था एक तो दे दो भाई यार भाई यार मैं बहुत गिव में जाता हूं यहां पर कोई और लोग दिया भाई आज तक मतलब आज के चलो मैं बस जीत जाऊंगा तो भाई आपने पूछ लेते ना हार गया यार नहीं भाई यार तुमको भाई कार्टून में भी होता है हां कार्टून लिस्ट पे भी तो होता है कार्टून लिस्ट पे जो ब्रीचेस पे भी होता है कहां है कार्टून लिस्ट हुआ भाई कहां पे है भाई का बताओ जब बीमस डिजाइन में वहां पर डबल कहां होता डबल डोर तो होता ही नहीं वहां पर कहां होता है अब भाई देखो सीपीआर का थोड़ी सा आगे चलोगे ना
तो आपको जरूर दिखेगा ये वाला। सीपीआर कूदना भी थोड़ी आगे आगे जाके देखना, आपको जरूर मिलेगा। मैं भी मैं पहले मैं सीपीआरटी कूदता हूँ, जब मैं गिव अवे जाता हूँ गिव अवे में तो मैं सीपीआरटी कूदता हूँ, वहां बैठकर कैंपिंग करता हूँ मैं। आप जरूर देना, आपको जरूर मिलेगा। तुमको मैंने कब का दे दिया आलोक यार, तुम मैसेज देखते नहीं। अरे अरे भाई सॉरी सॉरी सॉरी। ओ भाई आलोक मिल गया। ओ भाई साहब, ओए भाई साहब आलोक मिल गया भाई, थैंक यू भाई। सो गाइस हमारे पास आए हैं राहुल भाई। हेलो राहुल भाई। हेलो 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 गुड मॉर्निंग भाई। हेलो ब्रो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ब्रो? भाई मैं तो अच्छा हूं भाई। आप कहां से हो? बताओ आप कहां से हो? ब्रो मैं राजस्थान, इंडिया इंडिया। कौन है ये लोग? अरे मैं लंदन से हूं। ओके भाई बढ़िया बात है। भाई आपको मैं क्या पूछूं, क्या क्वेश्चंस पूछूं कि आप आलोक जीतो? भाई आप मेरे को ना गन रिलेटेड पूछ लो। चलो गन रिलेटेड। आपको फेवरेट गन कौन सी है? मेरा फेवरेट गन तो MP40 है। MP40 में कौन सी स्किन्स? अरे वो ब्लैक वाली ना, नाइट क्लाउन की। ओके चलो आपको एक क्वेश्चंस पूछता हूँ सिंपल, ठीक है? हाँ पूछ। जो टाइटन स्कार होता है ना, टाइटन स्कार, हाँ हाँ ब्रो, उसमें क्या एबिलिटी होती है? देखो ज्यादा स्किन है, कौन से टाइटन स्कार की बात कर रहे हो? सबसे टॉप वाली। हाँ टॉप वाली क्या? उसके अंदर भाई देखो सिंगल डैमेज डबल रेट ऑफ फायर। ओके भाई वो माइनस वाला भी बताना है क्या? हाँ मैगजीन माइनस होता है ना। ओके सही है ना ब्रो मेरा। और दूसरा आपने बोल रहे थे ग्रीन वाली। हाँ वो ना ग्रीन वाली के अंदर होता है ब्रो एक सेकंड, डबल डैमेज सिंगल रेंज ब्रो। ब्रो आपने टाइटन का पूछा था ब्रो, ब्रो आपने टाइटन का पूछा था यार। नहीं तुमने ग्रीन वाला ही बोल रहे थे ना, तो बोलो ना। अरे ब्रो ठीक है, डबल डैमेज सिंगल रेंज वो माइनस वाला याद नहीं आ रहा ब्रो। चलो ठीक है, माइनस तुक्का बिड़ा दो। चलो मैंने माइनस का, चलो आपने सही उत्तर दिया है, आपने सही आंसर दिया है, आपको मिलता है आलोक, मैंने सेंड कर दिया है। भाई थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू। चलो भाई एंजॉय करो, अच्छे से खेलो, मजे करो, पढ़ाई करो, कभी कभी गेम भी खेलो। तो भाई आपको मैं क्या पूछूं? आप मुझे कोई भी गन के बारे में पूछ सकते हो। तो आपको मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ क्या के रिगार्डिंग, गन के रिगार्डिंग? हाँ पता है अज्जू भाई ने बनी MP40 के पीछे ना 2 लाख डायमंड उड़ाए, तो पता है? हाँ पता है, मैंने वो देखा। उस गन में क्या एबिलिटी है? उस गन में ना डैमेज सिंगल है और डबल रेंज है। और माइनस? भाई माइनस मैगजीन है। गाइस क्या ये सही आंसर है? निशन वांट्स टू नो, गाइस क्या ये सही आंसर है? डबल सिंगल डैमेज डबल रेंज माइनस मैगजीन। रुको रुको एक सेकंड सर, आपसे प्रॉब्लम, चैट को पूछ रहा हूँ। ओके गाइस 99% ऑडियंस यस बोल रहे हैं चैट पे, तो शायद से यस ही होगा गाइस, सब लोग यस बोल रहे हैं। ओके गाइस तो ये सही आंसर है गाइस, भाई को मिलता है आलोक। रुको गाइस, भाई ने सही आंसर बोला है तो इनको आलोक मिलता है। तो गाइस जो भी लोग देख रहे हो सब लोग लाइक कर दो, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार गाइस। हम कभी कभी मतलब चैनल में मस्ती करते हैं ना इस तरह से, भाई बंदों को खुश करने का नया तरीका। तो गाइस हो सके तो सब लोग एक साथ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। हेलो भाई, तो आप जीत चुके हैं यहाँ पर डीजे आलोक। ओ भाई मिल गया डीजे आलोक भाई, भाई मैंने टॉप अप ही नहीं करा था तो भाई आपने डीजे आलोक दे दिया मुझे। बहुत बढ़िया, नहीं किया ना, बहुत बढ़िया, मत करना, पैसे नहीं है तो मत करना। हाँ भाई दूसरों को देख के जरूरी नहीं है कि तुम भी करना, ठीक है? खेलो मजे करो और लोगों को बोलो एक कि सब्सक्राइब करने के लिए, यार लोग सब्सक्राइब नहीं करते आजकल भाई। लोग सभी दबा के सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो भाई। चलो भाई एंजॉय करो, हैव अ गुड डे भाई। थैंक यू भाई, भाई थैंक यू। चलो बाय, दैट्स ऑल गाइस, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस कौन बनेगा आलोकपति।